दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल से ना मैडम निर्मला सीतारमण को लोग बेवजाही ट्रोल किए जा रहे हैं। ट्रोल करने वालों को समझना चाहिए कि फोटो जीबी सरकार में अगर पीएम मोदी का फोटो किसी राशन की दुकान में ना लगे तो सरकार के प्राण ही संकट में आ सकते हैं। शायद इसीलिए मैडम निर्मला सीतारमण ने आईएएस जितेश पाटिल को पीएम की फोटो की चौकीदारी करने को कहा। अब पीएम मोदी की फोटो की चौकीदारी करना कोई साधारण काम थोड़ी है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ही खुद को चौकीदार बता सकते हैं तो एक आईएएस को अगर पीएम की फोटो की चौकीदारी करने को कह दिया गया तो क्या बुराई है भाई इसमें। मोदी जी की फोटो की रक्षा करना कोई छोटा काम है क्या, क्योंकि फोटो से ही तो सरकार चल रही है। तो निर्मला मैडम ने तो सरकार पर एक तरह से संकट आने से बचाया है, और कमाल देखिए लोग उन्हें चापलूस कह रहे, और कोई दूसरा नहीं खुद बीजेपी के लोग। बीजेपी के पूर्व सांसद और वर्तमान नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निर्मला सीतारमण के पीएम मोदी की फोटो को लेकर आईएएस को फटकारने पर कहा। तेलंगाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर पीएम मोदी की तस्वीर न होने पर निर्मला सीतारमण भड़की। ये चमचागिरी का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन है। निर्मला सीतारमण ज्यादा से ज्यादा पीडीएस प्रभारी मंत्री को पत्र लिखकर मोदी की फोटो न दिखाने की शिकायत कर सकती थी। यानी खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ने ये सब मोदी जी की चापलूसी में किया। लेकिन सवाल ये कि वित्त मंत्री का ये एक्शन कहीं अपोजिट रिएक्शन तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि यहाँ वित्त मंत्री ने मुफ्त के चावल के थैले में पीएम की फोटो ना होने पर गुस्सा जाहिर किया तो विपक्षी दलों ने देखिए क्या कर दिया, 1000 पार वाले सिलेंडर पर मोदी जी की मुस्कुराती फोटो चिपका दी और शहर में घुमा दिया। वही आरजेडी के सांसद मनोज झा देखिए क्या कह रहे हैं, क्या बकवास है, मैं संसद में कम से कम 6 बार कह चुका हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं में फ्री शब्द का इस्तेमाल नागरिकों को नीचा दिखाना है, और प्रधानमंत्री की फोटो पर जिद, बॉस किस नियम के तहत, मुफ्त खाना सरकार की कोई चैरिटी नहीं है। अब बताइए मनोज झा और सुब्रमण्यम स्वामी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चापलूस कह रहे हैं। अरे विपक्षी नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा वित्त मंत्री को पीएम मोदी की फोटो की चिंता है। ऐसे नेताओं को ना मैं एक सलाह दूंगी, आप लोग ना सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर एक बार देखिए कैसे पीएम मोदी की फोटो से हमारे देश का कितना डंका बज जाता है, कि पीएम मोदी कैसे शेर की तरह चलते हैं, कैसे विदेशी नेताओं को गले लगाते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ पीएम मोदी की फोटो को हल्के में लेना ना उस कैमरामैन को भी बेइज्जत करने जैसा है जिसे सम्मान पीएम मोदी अपनी गाड़ी में लेकर चलते हैं। ऐसा सौभाग्य तो बड़े बड़े बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी नहीं मिलता जितना पीएम मोदी कैमरामैन को देते हैं, क्योंकि कैमरे में ऐसी फोटो खींचती है जिसमें भारत का भविष्य दिखाई देता है, और फिर उस भविष्य के जरिए बीजेपी नेता भविष्यवाणी कर देते हैं कि साल 2047 में तो पक्का हम विश्वगुरु बन ही जाएंगे। ऐसे में राशन की दुकान में पीएम मोदी की फोटो लगेगी तो गरीबों को भी तो भरोसा होगा ना कि हम वाकई में बस विश्वगुरु बनने ही वाले हैं। ऐसे में निर्मला सीतारमण बेवजह ट्रोलिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसी तरह की खबरें हम इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि हम अपने खर्चों के लिए किसी भी राजनीतिक दल या किसी उद्योगपति के मोहताज नहीं है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। थैंक्स के ऑप्शन का आप जितना इस्तेमाल करेंगे हमारे फ्री जर्नलिज्म को उतना ही सपोर्ट मिलेगा।